छोटा कटहल बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है इसका। तो पहले इसे छीलेंगे, आज बिना उबाल के बनाने वाले हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो दोनों पीस छिलका निकाल लिए हैं दोनों का, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो पहले इसे कटिंग करेंगे, इसके बाद धो लेंगे। ये बीच वाला इसे निकाल लेना है, ये निकालना बहुत जरूरी है, तो सब्जी टेस्टी लगेगा और खाने में भी मजा आएगा। तो सबका इसी तरह बीच में निकालेंगे और इसे एक साइज में कटिंग कर लेंगे। ये साइज में तो कटिंग हो चुका है, अब इसे धो लेंगे। अच्छा से धो लेना है। ये वॉश हो चुका है तो इसे निकाल लेते हैं। लहसुन, तीन हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अदरक, प्याज दो पीस ले रहे हैं। पानी, मसाला रेडी। ये है दही, अब इसमें मसाला मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ये है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा तीखा अपने अनुसार रखना है। अब मसाला मिक्स कर लेते हैं। मसाला रेडी हो चुका है। कटिंग किया हुआ कटहल, इसमें जो मसाला पेस्ट बना के रखे हैं वो डाल देंगे सारा। और ये है दही वाला मसाला, स्वाद अनुसार नमक, अब इसे मिला लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसी में दो खड़ा लहसुन, इससे और भी टेस्टी लगेगा। ये लहसुन जो पक जाएगा मसाला के साथ तो बहुत ही मस्त लगता है खाने में। अब इसे ढक देंगे 20 मिनट के लिए। कढ़ाई चढ़ाना है सरसों तेल, कटहल का सब्जी सरसों तेल से बहुत ही टेस्टी बनता है। खड़ा गरम मसाला जिसमें है दालचीनी, लौंग, इलायची और बड़ा इलायची, जीरा, सूखे लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, हींग एक चुटकी,
और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इधर ये देखिए 20 मिनट हो चुका है, अब इसे डालेंगे। मटन मसाला है, इससे कटहल का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इस तरीका से एक बार बनाएं, बहुत ही लाजवाब बनता है सब्जी। अब इसे ढक देंगे और धीमा धीमा आंच में इसको पकने देंगे 10 मिनट तक, 10 मिनट के बाद फिर देखेंगे। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए सब्जी, इसमें गरम पानी डाल दे रहे हैं। और इसे 10 मिनट के लिए फिर ढक दिए। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए सब्जी, बिल्कुल सीख चुका है, ये देख सकते हैं। कटहल का सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।